हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइबिलिटीज़ वॉट डू यू मीन बाई लाइबिलिटीज़ इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल फाइनेशियल ऑब्लीगेशच अ बिजनेस ओन्स टू अदर इसका मतलब वो पैसा या वो जिम्मेदारियाँ वो हमारे ऑब्लीगेशन्स या डेप्ट या उधारी जो हमें हमारे बिजनेस को किसी और को पे करना है इन द फॉर्म ऑफ लोन टेकन बाय द बैंक मतलब टेकन हमने बैंक से लोन लिया है तो हमें वो पे करना है अगर हमने किसी क्रेडिटर से पैसे लिए हैं तो हमें पे करना है या किसी से सामान लिया है तो पे करना है तो जो भी चीज़ें हमें किसी और को पे करनी है वो हमें कहलाती है लाइबिलिटीज़ दिस लाइबलिटी कैन बी क्लासिफाइड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटीज़ किससे रेफर करती हैं इट इज़ अ लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिज़नेस मतलब वो लाइबलिटीज़ जो ओनर को अपने अप ओनर ने जो पैसा लगाया है और उसको वापस लेना है तो वो लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है लेकिन अगर हमने पैसा किसी बाहर के व्यक्ति से लिया है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाती है अब वो आउटसाइडर कोई भी हो सकता है वो बैंक हो सकता है या कोई हमारा परिचित पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिससे हमने पैसे लिए हैं वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर जाएगा देन लाइबिलिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इं टू पार्ट दैट इज़ नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी तो आइए देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी क्या होता है नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मीन्स दीज आर द लोन्स विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर जो हम नॉन करंट बोलते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ऊपर समय अगर एक साल से ऊपर का ज़्यादा समय होता है और हमने लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन वन ईयर से किसी से पैसे ज़्यादा लिए हैं तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टर्म लोन हो गए डिबेंचर्स हो गए तो जो भी लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए जाती है उसे हम नॉन करंट बोलते हैं और वहीं पे करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म लाइबलिटीज़ का मतलब होता है हर वो लाइबलिटीज़ जो हमको पे ऑफ़ करनी है ट्वेल्व मंथ से पहले और फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक साल के अंदर अंदर अगर हमें वो पे ऑफ़ करना है तो वो करंट लाइब्रिटीज़ में आ जाता है जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया बिल्स पेबल हो गए शॉर्ट टर्म्स लोन हो गए सी सी लिमिट अगर हम उसके एक साल के लिए लेते हैं या फिर अपनी आउटस्टैंडिंग uh, जो भी हमने हमें पे करना है उससे हम करंट लाइब्रेटीज़ में डाल सकते हैं होप है स्टूडेंट्स आपको हमारी ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पर आपको लाइबिलिटीज़ का मीनिंग क्लियर हुआ होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू